अस्सलामु अलैकुम। आज का व्लॉग कहते हैं स्टार्ट। दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। और भाई अब्दुल्ला साथ हैं और भाई तला साथ हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में ना बहुत दोस्तों ने पूछा कि यार आपने अपना सेटअप मुकम्मल नहीं दिखाया, तो वो सेटअप आपको सारा दिखाना है अब। तो आपको भाई तला से मुलाकात करवाते हैं कि और सारी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको सारा फॉर्म दिखाते हैं डिटेल के साथ। तो भाई आओ आपको पिकॉक दिखाते हैं। आ जाओ यार, खोलो इसको। फीड होगी इनकी? जी फीड वगैरह हो गई है, खाली पड़े हैं बर्तन। ये चेक करें माशाल्लाह, ये अभी मोल्टिंग में है, सारे क्रूज का मौसम है इस वजह से सारे ये इन्होंने अपनी टेल सारी गिरा दी है माशाल्लाह। बाकी अभी भी प्यारे हैं, लेकिन जब फुल क्रूज करके क्लियर होते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारे बन जाते। कितने दिन तक हो जाएंगे ये? तो ये तो अगले सीजन में ही होंगे इंशाल्लाह। अब तो सीजन हो गया, हाँ अंडे दे रही है फीमेल पर, सीजन एंड हो गया क्योंकि ये सातवें महीने के एंड में ना शुरू में ही ये अपने पंख गिराना शुरू कर देते हैं, इनका सीजन एंड हो जाता है। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह फीमेल है, अंडे दे रही हैं, इनके बच्चे भी अवेलेबल है। ये है ब्लू, इन्हें कहते हैं ब्लू शोल्डर, ठीक है। ये एक फीमेल इनके साथ ब्लैक की है, दो ब्लू की फीमेल है, बहुत प्यारा यूनिट है, चेक करें माशाल्लाह आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब हम चिक्स दिखाएंगे तो उनकी प्राइस भी साथ मेंशन करेंगे। चिक्स अवेलेबल है इनके सर। कितने कितने हैं? हर सारे हैं, व्हाइट के हैं, पाइड के हैं। ये है माशाल्लाह व्हाइट का, यार ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है, बस ये देखें सारा पूरे कमरे में इसके पंख गिरे थे अभी माशाल्लाह। देखें अभी भी प्यारे हैं, लेकिन टेले ना हो तो बाद में की सारी टेलों पे होती है। तो माशाल्लाह चेक करें, ये फीमेल्स दिखाएं, ये फीमेल्स है, ये वाला मेल है, ठीक है, चेक करें। ये भी अंडे दे रहे हैं, बच्चे भी अवेलेबल है भाइयों। ये देखें, ये हमारा पाइड का यूनिट है, पीछे हो जाए, डरते हैं पीछे हो जाए। तो ये हमारा पाइड का यूनिट है, ये देखिए यार आराम से, ये माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत है। इनको पाइड बुलाते हैं जी, बहुत ही प्यारा है ये। इनके बच्चे पड़े हैं अभी? हाँ बच्चे भी अवेलेबल है इनके। नहीं यार ये देखें, ये ब्लैक का हमारे पास सेट है जी, चेक करें ब्लैक शोल्डर। हाँ ब्लैक शोल्डर, इसे इंडियन भी कुछ लोग बुलाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी अभी अंडे दे रहे हैं, तो चेक करें माशाल्लाह। इनके भी बच्चे अवेलेबल पड़े हैं या नहीं? बच्चे हैं सर, बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा आगे वाले दिखाएं आगे, ये तो अकेली खड़ी है जिसका वो ना, इसका ना वो मेल कुत्ता खा गया था, दिखाया था कि इसका ना मेल जो था वो एक्सपायर हो गया, तो इस वजह से ये फीमेल अकेले। इंशाल्लाह इसका भी मेल लेके आएंगे। ये चेक करें, ये भी कुछ अपनी टेल में है, ये ज्यादा टेल किस वजह से खराब कर रहे हैं? ये बस कुछ गर्मी की वजह से लगता है यार। हाँ ये इनका सीजन होता है, सीजन में ये कुछ टेल गिरा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी देखिए माशाल्लाह ये दो फीमेल हैं, एक बड़े वाला मेल है जी। तो ये भी बता देना इनको यार, कितना टाइम हो गया, कितने अरसे से यार आपने रखे हैं और क्या प्रॉफिट वगैरह है? हमने 2 साल हो गए हैं हमें इनको, यानी कि इनका सेटअप बना हुआ। तो इनकी ये सेकंड ब्रीड थी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली ब्रीड जब पिछले साल ना हमारे पास ये पिछले सीजन में 3 यूनिट थे, इस बार हमने 5 यूनिट लगाए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो देखे सामने इनके केजेस बनाने हैं। ये देखें ये पड़े हैं सामने खाली है सारे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में आपको सारा ये दिखाए ना इनके। ये व्हाइट क्यों इनके साथ? व्हाइट लगाई हुई है क्योंकि ये व्हाइट का जो मेल था, हाँ मेल था, वो एक्सपायर हो गया, तो दूसरे के साथ लगानी थी, वो इसे मारते बहुत थे तो इसके साथ एडजस्ट कर दी है। अच्छा। इसके साथ बच्चे बहुत प्यारे निकाल दिए, फाइट निकालेंगे। हाँ। और आगे भी एक सेट खड़ा है हमारे पास मोरों का, ये भी दिखाते हैं तला भाई। एक तला घर का पट्टा मां, ये हाँ बच्चे लिए थे तो ये तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखो इसको, वो किधर है मोर जिसका यार शोल्डर खराब है? वो भी खड़ा है, ये देखे माशाल्लाह दो फीमेल्स है। इनकी आइज को क्या हुआ? ये भी है, ये बस रेशा कर जाते हैं, ये इसको ना निकालना है इंशाल्लाह और दवाई देनी है मेडिसिन, इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा ना, उसमें ना एक मोरनी थी जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और जिसका ना मेल जो है वो एक्सपायर हो गया था, वो यार तला ने दवाई की है और अब ना मुझे लग रहा है यार बिल्कुल ठीक हो गया। तला भाई दिखाए ना इसको। हाँ बस ये ठीक ही है भाई, इसको रात को भी दी है। क्या दवाई दी है यार? एरिथ्रोसिन की गोली दी थी इंशाल्लाह, उसका भी बहुत ही अच्छा ये रेशे पे रिजल्ट है इंशाल्लाह, ये ठीक हो जाएगी कल तक, अभी दवाई दी है फिट हो जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी इनके हम बच्चे आपको दिखाते हैं, बच्चे हमारे पास जो अवेलेबल पड़े हैं वो आपको दिखा देते हैं। अगर किसी को चाहिए मोर का बच्चा तो हमारे पास कितने सेट पड़े हैं तला भाई? बच्चे काफी पड़े हैं इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये देखिए ये हमारा केज है, सेटअप है, हमने इधर सारे ना केज पड़े हुए हैं।
ये हमने केजेस रखे हुए हैं, इनमें ना इनकी ब्रीड लेते हैं माशाल्लाह। तो अभी तो सीजन ऑफ होता जा रहा है और ब्रीड भी काम आ रही है, एग भी काम आ रहे हैं। पहले तो कितने सेल कर चुके हैं ये जो पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेल किए हैं यार। ये ना एक्सपायर अंडे बिठाए हुए हैं अंडों पे, ये चेक करें माशाल्लाह, ये मोर के अंडों पे बैठा हुआ है क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये तकरीबन कितने दिन तक ये बैठे रहते हैं अंडों पर? ये तकरीबन 6 महीने, अगर इनको अच्छी फीड दे तो ये 6 महीने 7 महीने बैठ जाते हैं। आप क्या दे रहे हैं इनको? ये हम तो मिक्स फीड डालते हैं, मक्की हो गई, मक्की दली हो गई, चने हो गए, गंदम हो गई और बाजरा। ये इधर एक्सपायर पड़े हैं शायद अंडे, ये सारे खराब हुए पड़े हैं। ये किस वजह से होते हैं ये? कोई ये तो जहरी बात है, अंडा खराब भी होता है, जो फर्टाइल नहीं होता, कुछ गर्मी से कुछ फर्टाइल नहीं होता। सारे तीन बैग में से ये खराब हुए से, बाकी ये बच्चे पड़े हैं माशाल्लाह। बच्चे आप बच्चे देखते हैं, आपको बच्चों अगर किसी को भी चाहिए हो तो भाई रابطہ कर ले, नंबर नीचे लिखा है। बाकी तो सेल होगा ये देखें यार, कुछ बच्चे पड़े हैं इंशाल्लाह। ये कितने कितने इनकी एज है? ये जो बड़े दो यूनिट, तकरीबन दो सेट बड़े जो है ना, ये दो पेयर है बड़े, एक ब्लू का एक ब्लैक का, इनके दो दो मंथ है, बाकी एक मंथ के पट्टे हैं बच्चे हैं। ठीक है, बाकी वैक्सीन वगैरह हुई हुई है। एक मुर्गी थोड़ा पे यार, इसको उठाओ, इसको अंडर में बैठाते हैं, इसको जाएंगे यार आराम से उठाओ। कितने एग हैं? वो रख दे ये इसको मोरों के अंडों पे बिठाना है। ये देखिए जैसे कि ये हमारे पास अंडे पड़े हैं, कितने अंडे हैं ये? ये अंडे तकरीबन 18-20 हैं। और कितने तक बैठाना चाहिए इनको? ये छह सात अंडे भाई, ज्यादा से ज्यादा। इधर भी था, इधर ये डरेगी यार, ऊपर बैठा दूसरा। अरे इधर ही बिठा देते हैं इसको। हाँ इधर बिठा दे, ये जगह थोड़ा सा चारा लेके आते हैं वो रखते हैं नीचे। एक घास लेने जा रहे हैं क्योंकि उसपे ना गर्मी में ना ये घास पे ब्रीड बहुत अच्छी आती है, बच्चे अच्छे से निकल जाते हैं और खराब नहीं होते अंडे। ये अच्छी बात है, यहाँ से लेके जाते हैं। तो भाई फाइनली हमने ये घास ले लिया, इस पर ये बैठ जाएगी और एग्स भी 5-6 हैं उसके, पड़े तो ज्यादा हैं, बहरहाल 5-6 पे बिठाएंगे क्योंकि ना ब्रीड अच्छी आएगी। तो यार ना फाइनली हम लेके आ गए, इधर अंडे उठा रहे हैं अब तला भाई, और ना अब हम मुर्गी को बैठाने लगेंगे। चेक करें, घास रख दिया हमने, चेक अब इनको अंडे पे बिठाते हैं। देखिए ये घास रख दी है, ये दो अंडे, ये तीन अंडे और पांच। और यार तो यार ये कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये कितने दिन में यार निकाल देते हैं? ये बच्चा मोर का तकरीबन 25-26 दिन में इंशाल्लाह निकल आता है। व्लॉग ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि पिछले व्लॉग में ना यार बहुत लोगों ने सवाल किया था यार मोरों का दिखाएं, उनको डिटेल से बताएं यार, तो उनके बारे में तला भाई से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यार बताते हैं, तला भाई बताएं यार इनको। भाई जिस भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पिजन के बारे में, मोरों के बारे में, और फैंसी मुर्गियाँ हो गई, फिजेंट सुरखाब हो गया, चकोर हो गया, ये तितर हो गया ईरानी दखनी, तो आप कमेंट में हमें मैसेज करें, हम आपको ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आज हम आपको ये सारे बताते हैं कि ये कितने अंडे देती हैं फीमेल्स एक, और इनका क्या हिसाब किताब है, कितने दिनों में बच्चे निकलते हैं। वो क्रास के बारे में भी आपको बताते हैं इसी वीडियो में। तो पहले आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देखें उसको लाइक करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ले लें और इंटरटेन भी हो जाए। और यार ये बता दें कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज हैं कबूतरों में, बाकी सारी डिजाइन पे? पिजन में तो काफ़ी वैरायटीज हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जब कबूतरों का विजिट करवाया, पिजन का विजिट करवाया, तो आपको उसकी वैरायटीज और उनका सारा डाटा देंगे। तो फिलहाल तो हम आपको मोरों की डिटेल आपको देते हैं। ये एक फीमेल ना तकरीबन अंडे दे जाती है, 3 क्लच देती है, और 3 क्लच में कितने? ये 1 क्लच में 10 से 12-15 अंडे दे देती है, अच्छे वाली फीमेल 16-17 अंडे देती है, यानी कि टोटल अंडे ये 35-40 अंडे देती है टोटल। अच्छा, सीजन सीजन के, एक सीज़न के, ये साल बाद अंडे देती है। तो ये अप्रैल से शुरू होते हैं, मार्च अप्रैल से शुरू हो जाते हैं अंडे देना। तो जो बड़े वाली फीमेल है वो पहले भी शुरू कर देती हैं। अच्छा, क्योंकि ये गर्मी के स्टार्ट में ही अंडे देना शुरू करती हैं, और जब ये अगस्त तक अंडे देती हैं, कुछ फीमेल अगस्त तक भी अंडे देती हैं। और इन ये हम एक मेल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीमेल्स लगा सकते हैं।
तो हमने तो तीन लगाई हुई है क्योंकि ये फर्टिलिटी का कुछ इशू आता है, अंडे कम फर्टाइल होते हैं ज्यादा फीमेल लगी हुई है क्योंकि ये फर्टिलिटी का कुछ इशू आता है, अंडे कम फर्टाइल होते हैं ज्यादा फीमेल लगी हुई है, तो इसलिए हमने तीन फीमेल ज्यादा से ज्यादा लगाई हुई है। हाँ, थोड़े इस सीजन में माइंड है कि हम चार चार फीमेल लगाएं हर के साथ, और नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह सेटअप भी ज्यादा। ये देखिए इधर यार, ये सारे केजेस बनाने हैं इधर, ये जितने भी हैं यहाँ पे वो लाइन बनानी है साथ में ये, और थोड़ा सा ना मज़ीद इनको रहाएंगे और ना आपको दिखाएंगे। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन है तो यार वो बता दो। बाकी भाई जिस भाई को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट करें, हम उसको उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हर की वीडियो का रिप्लाई करेंगे, कमेंट का रिप्लाई करेंगे वीडियो बना के इंशाल्लाह। अच्छा, तो भाई ना कोई हमारी वीडियो देखकर आता है YouTube से या सब्सक्राइब करके आता है, वीडियो में नंबर मेंशन करेंगे भाई जिस भाई को बच्चे चाहिए जो चाहिए, सारा लोकेशन भी ना आपको दे देंगे, जिस भाई का दिल करे हमारे पास आए और क्या किस्मत का मौका दे, इंशाल्लाह जितना तावन हुआ हम करेंगे तावन उनके साथ, और जो चीज चाहिए हम बिल्कुल मुनासिब करके देंगे भाई को। तो YouTube पर प्राइस भी बता सकते हैं ना भाई, विजिट करें आ जाए, खिदमत भी करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इंशाल्लाह।